अयोध्या में श्री राम मंदिर के नींव स्तंभ तैयार करने के बाद पत्थरों की नक्काशी राजस्थान से आए 8 कारीगरों ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण कार्यशाला में दोबारा से नक्काशी का कार्य शुरू करा दिया गया है। अभी कोई नया पत्थर नहीं खरीदा गया है, पत्थरों पर आधी नक्काशी हो चुकी है जो कि करीब 15 साल से रखे हैं। रॉ मटेरियल भी करीब 6 सालों से रखा हुआ है। कारीगर लाकर अधूरे काम को पूरा कर लेने का सुझाव आया था, जिस पर लार्सन टूब्रो और सोनपुरा ने भी सहमति दी है, जिसके लिए 8 कारीगर आ गए हैं। जब हाथ तेजी से चलने लगेंगे तो ज़रूरत के अनुसार 10 कारीगर और आ जाएंगे। पहले वही पत्थर लगने हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि 50,000 घंटे का पत्थर नक्काशी कार्य रखा हुआ है, लेकिन मंदिर निर्माण में करीब 4,00,000 घन फीट पत्थर लगने का अनुमान है, जो कि अब तक के पूरे कार्य का 1/8 कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि अब राजस्थान से निकलने वाले पत्थरों पर वहीं से नक्काशी होकर आएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पत्थरों की नक्काशी होगी तभी कार्य पूरा हो पाएगा। अयोध्या में पत्थरों पर नक्काशी करने के बारे में सोचा तो नहीं हो सकता। फिलहाल वर्तमान में खदानों से पत्थर निकालने का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। आधी नक्काशी कभी हो चुकी है 15 साल पहले, शेष रुक गई थी, उनको पूरा करना। 50,000 घनफुट पत्थर यहाँ रखा हुआ है नक्काशी करके, मोटे तौर पर 4,00,000 घनफुट लगने वाला है। 10-5,000 कम ज़्यादा होगा तो उसका तो 4,00,000 का 50 है तो 1/8 हिस्सा है, लेकिन यही मौलिक है, ये भूतल का है। वहीं तराशे जाएंगे, अगर वहाँ तराशे जाएंगे तभी कार्य हो पाएगा। यहाँ तराशने का सोचा तो हो ही नहीं पाएगा। इसके कारण मीमांसा मत जाओ, ये तभी हो पाएगा जब राजस्थान में तराशे जाएंगे।